आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 21 अगस्त 2020 को आपका स्वागत है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के बाद 31 अगस्त को जिन भी श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की थी, 31 अगस्त को उन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा एक बहुत नायाब पहल की गई है। प्रशासन की इस पहल को लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा कोरोना काल में इसके पहले तीजा फुलेरा सिराने की जिस तरीके की व्यवस्था की गई थी वो बहुत ही उम्दा और सटीक व्यवस्था थी। इसके बाद अब भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वे व्यवस्थाएं भी अप टू द मार्क ही प्रतीत हो रही है। नगर पालिका परिषद जिला प्रशासन के द्वारा नगर पालिका परिषद के जरिए ट्रैक्टर को की ट्रॉली को सजाया जाकर उसमें गणेश प्रतिमा विसर्जन हेतु वाहन एक इस तरीके का पोस्टर चस्पा किया गया है और गली गली घूमकर भगवान गणेश की प्रतिमाओं को एकत्र किया जा रहा है। इन गणेश भगवान गणेश की प्रतिमाओं को इसके बाद जलकुंडों में विधि विधान से परंपरागत उत्साह के साथ पूरे विधि विधान से प्रशासन के द्वारा विसर्जित किया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट है। हम आपको दिखा रहे हैं मठ मंदिर परिसर में वाहन खड़ा हुआ है। आसपास जाकर ये वाहन बाकायदा उद्घोषणा भी हो रही है कि वाहन आपके घर पहुंच चुका है, आपके मोहल्ले में पहुंच चुका है। लोग अपनी अपनी प्रतिमाएं बहुत ही श्रद्धा भाव से दे रहे हैं। जिस तरीके से तीजा फुलेरा का विसर्जन किया गया था, कोरोना काल में आपस में दूरी बनाए रखना, शारीरिक दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मास्क का उपयोग ज़रूर करें। पुलिस की माकूल व्यवस्था मठ मंदिर में आपको दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट है। पूरे शहर से प्रतिमाओं को एकत्र किया जा रहा है पैनगंगा के तट पर और मठ मंदिर के तालाब में, संभवतः मठ मंदिर के तालाब में भी इनका विसर्जन किया जाएगा। पैनगंगा के तट पर तो इनका विसर्जन की व्यवस्थाएं भी मुकम्मल की गई हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रतिमाओं को नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन के लोग एकत्र कर रहे हैं। पूरे भाव से, धर्म के भाव से, भक्ति के भाव से लोग प्रतिमाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रतिमाएं विसर्जन के लिए लोगों के द्वारा दी जा रही हैं। फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 31 अगस्त 2020 को आपका स्वागत है। देखिए, महिलाएं किस भक्ति भाव से घरों में विराजे भगवान गणेश बुद्धि विनायक एक दंत महाराज गणेश को विसर्जन के लिए प्रशासन को सौंप रहे हैं। रात से ही ये व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका का पूरा अमला इसमें लगा हुआ है। मुस्तैदी के साथ ये काम चल रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जो ये हम आपको दिखा रहे हैं पैनगंगा लखनवाड़ा का पुल, उसके नीचे देखिए व्यवस्थाएं किस तरीके से प्रशासन के द्वारा की गई। प्रशासन की व्यवस्थाओं की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। प्रशासन के द्वारा ये वाकई एक बहुत कोरोना काल में बहुत ही बेहतरीन और नायाब पहल की गई है। नगर परिषद बरघाट में के द्वारा इस तरीके के वाहनों की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद बरघाट के द्वारा भी घरों घर भगवान गणेश की प्रतिमाएं एकत्र करने के लिए आप देखिए ये चलित वाहन एक बनाया गया है, जिस वाहन को सजाया गया है। नगर परिषद बरघाट की सराहनीय पहल मानी जा सकती है। बरघाट प्रशासन के द्वारा भी इस तरीके की पहल की गई है जो प्रशंसनीय मानी जा रही है। बरघाट नगर पंचायत के कार्यालय के पास आप देख सकते हैं दो ट्रालियों को सजाया गया है। दोनों ट्रालियों में भगवान की प्रतिमाएं रखने की व्यवस्था की गई है। ये अब शहर में निकलकर घरों घर प्रतिमाओं को एकत्र कर रहे हैं। देखिए आप, घरों घर से प्रतिमाएं ली जा रही हैं। ये वाकई
कोरोना काल में प्रशासन के द्वारा सूझबूझ भरे निर्णय लिए गए हैं। जिस तरीके से तीजा फुलेरा लोग विसर्जित करने जाते, वहाँ भीड़ एकत्र होती, तो भीड़ को एकत्र ना हो इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, दल सागर के हनुमान घाट के पास आप देख सकते हैं ये वाहन खड़ा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच चुकी है, अब यहाँ पर विसर्जित किया जाएगा। और ये देखिए तहसीलदार प्रभात मिश्रा मौके पर पहुंचकर स्थिति परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं सिवनी के तहसीलदार प्रभात मिश्रा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट है। ये देख सकते हैं आप दल सागर के पास भगवान शिव का परिवार, इस ये लिखा हुआ है वाहन पर। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं, हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा, ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये आप हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल्स, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा, ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो इसके पैड जैसे ही आए तो आप इसके पैड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीप को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी करिए, सभी को कराइए।